तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टीसीएस ने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 12,434 करोड़ से घटकर 12,040 करोड़ रुपए रहा है। कैसे हैं टीसीएस के नतीजे समझने के लिए सीधा जुड़ते हैं हर्षदा सावंत से। तो हर्षदा, आपसे जानना चाहेंगे टीसीएस के नतीजे कैसे रहे हैं। टीसीएस के नतीजे इनफैक्ट उम्मीद से काफी बेहतर है, खासतौर से मुनाफा जो 12,040 करोड़ पर आया है। मार्जिन अपेक्षा की थोड़े से गिरकर आएंगे, दबाव है, लेकिन 24.5% के बजाय 24.7% का मार्जिन बुरा नहीं है। जो अच्छी चीज उसमें दिखाई दे रही है वो है कंपनी की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ नियरली 2.2%, जहां पर एक्सपेक्टेशन 1.5% की थी। अब इस 2.2% के मायने ये है कि शायद एग्जीक्यूशन में बेहतरी देखने को मिली है, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड में कमी थी या फिर स्लो डाउन था वो शायद वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट होगा कि बीएसएनएल डील का कितना फायदा कंपनी कमा पाई है। अच्छा, अब कंपनी ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी ग्रोथ है 9% की, लाइफ साइंसेज में अच्छी ग्रोथ है, रिसोर्सेज एंड यूटिलिटीज में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन फैसिलिटीज में मुझे अभी तक बीएसएसआई की ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो सवाल यही है कि बीएसएसआई जो लगातार दबाव में था वहां से किस तरह की ग्रोथ और कितनी बेहतरी देखने को मिली है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट आता है और वो इम्पोर्टेंट रहेगा कि वहां पर ग्रोथ देखने को मिले। दीपाली,